हिमाचल प्रदेश में जहां पर्यटन को सुरक्षित चलाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं पर्यटन नगरी मनाली में भी अब होटल एसोसिएशन पर्यटकों को मास्क पहनाने में जुटी हुई है, ताकि पहाड़ पर सुरक्षित तरीके से पर्यटन कारोबार चल सके। बीते दिनों भी पर्यटन नगरी मनाली के माल रोड की एक भीड़ की फ़ोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई थी, जिसमें पर्यटकों की भीड़ बिना मास्क के माल रोड पर घूम रही थी। हालांकि बाद में ये फ़ोटो बीते साल की पाई गई, लेकिन इस फोटो के चलते भी मनाली के पर्यटन कारोबार को खासा नुकसान हुआ, जिसके चलते अब पर्यटन नगरी मनाली में होटल एसोसिएशन के सदस्य पर्यटकों व स्थानीय लोगों को मास्क बांटने में जुटे हुए हैं, ताकि पहाड़ में सुरक्षित तरीके से पर्यटन को चलाया जा सके और कोविड नियमों की पालना भी हो सके। होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष अनूप ठाकुर का कहना है कि कोरोना नियमों की पालना भी काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में जहाँ पर्यटकों व अन्य लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, तो वहीं होटल से जाते समय पर्यटकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे पर्यटन स्थलों पर कोविड नियमों का पालन अवश्य करें। हमने अपने जो जितने भी होटल एसोसिएशन में 7-8 टीम्स में एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है उनको हमने नियुक्त किया है, और जो मज़ार का एरिया है, मॉल रोड का एरिया है और सराउंडिंग के गांव हैं जहाँ जहाँ टूरिस्ट का आना जाना ज़्यादा रहता है, उसको कवर किया है। और हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिए हैं कि जो भी हमको टूरिस्ट दिखाई देता है या जो और भी भाई है, लोकल्स भी है जो बगैर मास्क के आ रहे हैं, उनको हमने मास्क देना शुरू कर दिया है। और साथ में ये अवेयरनेस लाना शुरू कर दिया कि मास्क के बगैर जो है अपने को तो खतरा ही है, आप खतरे को दूसरे को भी फैला रहे हैं। इस करके काइंडली मास्क का पहनना ना भूलिए, और ये ज़रूरी है, मास्क ऑन और कोरोना आउट, ये हमारा स्लोगन भी हमने इस कैंपेन में रखा है। कुल्लू के पर्यटन स्थलों पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुए सरकार ने भी बीते दिनों जिला प्रशासन को सख्ती के आदेश दिए थे, और माल रोड पर बिना मास्क के घूमने वाले पर्यटकों के पुलिस के द्वारा चालान भी किए गए थे। ईटीवी भारत के लिए कुल्लू से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट।